बेटा, माँ का ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। इसलिए पढ़ाई छोड़कर अब कोई नौकरी करने की सोच रहे? क्यों, घर भी तो चलाना है। लेकिन बेटा, पिताजी की पेंशन भी तो आएगी ना? वो तो पहले आती थी सरकार की नई पेंशन स्कीम में, तो अगर ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाए तो पेंशन नहीं मिलती। कांग्रेस ने प्रचार में बताया कि पुरानी पेंशन योजना नौजवानों के अच्छे दिन लाएगी, लेकिन आर्थिक जानकार चेतावनी देते हैं कि अगर पुरानी पेंशन योजना देश में लौटी तो ये नई पीढ़ी से सबसे बड़ा अन्याय होगा। ये स्कीम ईमानदार टैक्स पेयर्स को बहुत सताएगी। इसीलिए 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में पीएम रहे मनमोहन सिंह ने पुरानी पेंशन स्कीम को सरकारी खजाने के लिए बहुत खराब बताया था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के फौरन बाद इसे लागू करने जा रही है, जिसे हिमाचल प्रदेश में उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। कांग्रेस की छत्तीसगढ़, राजस्थान की सरकारों की तरह आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पुरानी पेंशन योजना की चुनावी रेवड़ी बांट चुकी है। लेकिन इस कदम की आलोचना करने वालों में यूपीए सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी शामिल हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के इस कदम की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा, अगर पुरानी पेंशन योजना को वापस लिया जाता है तो ये सरकार की सबसे बड़ी रेवड़ियों में से एक होगा। हर कोई राजकोषीय घाटे को कम करने की बात करता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति निश्चित खर्च से छुटकारा पाने के तरीके नहीं सुझा रहा। लेकिन इस तरह की आलोचना के बावजूद 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में वोटरों से अपील करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, हिमाचल वोट करेगा ओपीएस के लिए, हिमाचल वोट करेगा रोजगार के लिए, हिमाचल वोट करेगा हर घर लक्ष्मी के लिए। आइए भारी संख्या में मतदान कीजिए और हिमाचल की प्रगति और खुशहाल भविष्य के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। लेकिन आर्थिक जानकार सवाल पूछते हैं कि अगर सारा पैसा पेंशन में ही चला जाएगा तो फिर नौजवानों को रोजगार देने और हिमाचल प्रदेश की प्रगति खुशहाली के लिए पैसा कहां से आएगा? अब बहुत ध्यान से समझिए क्यों मनमोहन सिंह से लेकर मोंटेक सिंह अहलूवालिया तक पुरानी पेंशन स्कीम के खिलाफ। हिमाचल प्रदेश में साल 2004 से 2005 में सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन का बिल 591 करोड़ रुपए था, जो 2021-22 में बढ़कर 7082 करोड़ रुपए हो गया, यानी इसमें 11.98% का इजाफा हो गया। जबकि सरकार को मुख्य रूप से टैक्स से मिलने वाली आमदनी को देखें तो वो साल 2004-05 में 1252 करोड़ रुपए थी, जो 2021-22 में 9282 करोड़ रुपए हो गए। इस तरह सरकार की टैक्स से आमदनी में इजाफा हुआ 7.41% का। अब आप खुद ही देखिए, हिमाचल सरकार खुद टैक्स से 9282 करोड़ रुपए कमाती है, जिसमें सिर्फ 7082 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने में जा रहे हैं। अगर आम बोलचाल की भाषा में समझे तो सरकार की अपनी टैक्स से कमाई के 100 रुपए में से 76.29 रुपए सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने में जा रहे हैं, यानी नौजवानों को रोजगार देने, सड़क, स्कूल, अस्पताल, गरीबों से जुड़ी योजनाएं चलाने के लिए सरकार के पास सिर्फ 24 रुपए बचेंगे। यानी फंड की कमी की वजह से सरकार कम पदों पर भर्ती करेगी, नौजवानों को कम रोजगार मिलेगा। सब जानते हैं अर्थशास्त्र का नियम है कि अगर नई नौकरियों का, नौजवानों के लिए नौकरियों का सृजन कराना है तो इसके लिए सरकारी खर्च बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा इंजन है किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वो पैसा जो डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होना था, वो अगर पेंशन देने में इतने लंबे समय तक जाता रहेगा तो इससे नौजवानों को जो नौकरी के अवसर मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, देश का विकास रुक जाएगा। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों पर पहले से बहुत ज्यादा कर्जा है, इसके अलावा वहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या में 147% का इजाफा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि सरकार पर पेंशन का बोझ बना रहेगा, और अगर किसी साल सरकार की आय में उम्मीद के मुताबिक इजाफा नहीं हुआ तो राज्य सरकार लोगों पर टैक्स बढ़ाएगी, जिसका खामियाजा आम लोगों को होगा। इसे राजस्थान के आर्थिक आंकड़ों से भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है, जहां राज्य सरकार की कुल आय का 56% खर्चा वेतन और पेंशन पर हो रहा है और इसका फायदा जनसंख्या के मात्र 6% हिस्से को हो रहा है। बाकी बची 44% आय जनसंख्या के 94% लोगों पर खर्च हो पा रही है। सवाल यह है कि ये कहां तक सही है। अगर हम करंट पोजीशन को देखें
तो ये पैसा नॉन प्रोडक्टिव कार्य के लिए जा रहा है, क्योंकि आती हुई जाती हुई पेंशन जो है या किसी भी रिटायर्ड व्यक्ति के पास आती हुई पेंशन उसका खर्च तो पूरा कर रही है, पर देश के विकास में, देश की प्रगति में कोई योगदान नहीं दे रही है। इसी पैसे का खर्च यदि देश के विकास में किया जाए तो इससे नौजवानों के लिए और नौकरियां निकल के आएंगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का भला करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का भला करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम सही है या कोई दूसरे विकल्प हो जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है हमारे सामने। मेरे हिसाब से सोल्यूशन ऐसा निकलना चाहिए कि स्टेट के पास ग्रोथ के लिए भी पैसा हो, स्टेट के पास डेवलपमेंट के लिए भी पैसा हो, साथ ही साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखने का और सोल्यूशन कोई निकाला जाए। इस तरह पुरानी पेंशन योजना का फायदा एक बहुत छोटे तबके को होगा, लेकिन इसकी कीमत नौजवान ज्यादा टैक्स और कम सरकारी पदों में भर्ती के रूप में चुकाएंगे। नौजवान फिर सड़कों पर नौकरियों के लिए धरना देंगे, कानून व्यवस्था की आड़ में लाठियां खाएंगे। आज तक ब्यूरो।